माइकल फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबका? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं अपनी फ्राइडे की रूटीन शेयर कर रही हूँ, सुबह से लेके अब तक जो है ना मैंने क्या क्या किया है। तो अभी तो खैर मैं लंच रेडी करके बैठी हूँ, लेकिन सुबह से क्या हुआ है, आई व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आज मैं फ़र्स्ट टाइम मैंने ना शायर अपने भी लिखा होगा फ्राइडे रूटीन अपने थंबनेल पे, क्योंकि मुझे ना किसी की, मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं किसी को व्लॉग में जो है ना कॉपी करूँ, लेकिन आज जो है ना वो आज फ्राइडे की रूटीन में काफ़ी कुछ था, तो सोचा मैं भी फ्राइडे की रूटीन अपनी रियल वाली शेयर कर ही दूँ। तो ये ज़रा अभी है कि बाल चेक करें, जो कल मैंने परसों अपने बालों पर जो बना के लगाया था हेयर मास्क, और जो बचा था वो अबीहा के पे लगा दिया था, और बाल देखें कितने शाइन कर रहे हैं मेरे और अबीहा के, और अबीहा और नबीहा और असद के। मैं अपने पूरी फैमिली के बालों का ना ऑर्गेनिक तरीके से ख्याल रखती हूँ, यही रीज़न है कि हम सबके बाल माशाल्लाह से अच्छे हैं। अच्छा, तो क्या हुआ कि आज मैं ना सात दस पे चले गए, और साथ ही मैंने जो है ना वो अपना काम स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो जो है ना वो फ़िश मैंने मैरिनेट करके रख दी, ताकि जब बच्चे आए तो मैं उसको फ्राई कर लूँ, दो तीन घंटे जो है ना, चार घंटे फ्राई जब मैरिनेशन होती है ना, और इस तरह से जब आप मैरिनेट करेंगे ना और आपकी फैमिली मेम्बर्स खाएंगे, तो यकीन जाने वो आपको एक प्रोफेशनल जो है ना वो कुक समझेंगे, इतनी मज़े की ये बनती है। एक किलो जो है वो फिश थी, तो एक कप के करीब घर का ही दही बना हुआ था, दो टेबल स्पून भर के इसमें मतलब जो है ना वो मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, और इसमें जो है ना वो शान की मिर्च मंगवाई हुई थी मैंने, लाल मिर्च पाउडर, तो ये मैंने एक टीस्पून के करीब डाल दिया, और गरम मसाला भी एक टीस्पून के करीब डाल दिया है, और सारे मसाले साथ निकाल के रख लेना तो इजी इसलिए रहता है और बंदा भूलता भी नहीं है। तो ज़ीरा जो सूखा धनिया कूटा हुआ खुद मैंने कूटा है, दो टेबल स्पून भर के डाल दिया, एक टीस्पून नमक डाला है, चाट मसाला एक टीस्पून डाला, और मैंने तकरीबन एक टीस्पून के करीब अजवाइन डाली, अजवाइन बहुत ज़रूरी होती है फ़िश में, और ये मैंने डाला है मैदा दो टेबल स्पून। अच्छा, मैदे का ये फ़ायदा होता है कि इसका कोई फ्लेवर नहीं होता, कुछ लोगों को ना बेसन का फ्लेवर अच्छा नहीं लगता तो वो अजीब सा हो जाता है, तो बाउंड करने के लिए मसाले को ना इसमें फिर मैं जो है ना वो डालती होती हूँ मैदा, तो थोड़ा सा जो है ना फूड कलर मैंने डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, कुछ लोग इसमें जो है ना लेमन जूस भी डाल लेते हैं, तो वो भी डाल लेना चाहिए, लेकिन मुझे ये होता है कि लेमन जूस डालने से ना मसालों की जो एक अच्छी सी खुशबू होती है ना वो कहीं ना कहीं थोड़ी दब जाती है, तो मैं दही में हमेशा बनाती हूँ। तो इसका पेस्ट सा बना के ये बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेना, जितने भी मसाले हमने डाले हैं, और ये फ़िश मसाला समझे बन के जो है ना वो तैयार है। तो इसमें नमक भी मैंने जो है ना डाला था तकरीबन एक टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि फ़िश में ना थोड़ा सा मतलब अच्छी सी चटपटी होनी चाहिए, तो आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो बस इस तरह से फ़िश के ऊपर इसको मैं सारे को बखेर दूंगी, एक केजी के करीब, ये एक केजी से थोड़ी ज़्यादा ही थी फ़िश, पूरी फ़िश थी, तो हस्बैंड ने एक आधा पीस उसका करवा दिया, मतलब एक साइड से फुल आधी कर दी और एक के जो साइड थी ना उसके पीसेस करवा दिए। तो मैंने उन्हें बोला कि आप दोनों के जो है ना वो बड़े पीस करवा लेते या फिर फुल के पीस करवा लेते, तो खैर उन्होंने ऐसी लिया तो मैंने भी ऐसी मैरिनेट कर दी। अब ये जो है ना मैरिनेट करके अब मैं सुबह सुबह रख दूँगी, जब तीन चार घंटे मैरिनेट हुई रहेगी ना तो मसाला अंदर तक इसके जज्ब हो जाएगा, और ये बाउंडिंग के लिए जो मैदा डाला है ना दो टेबल स्पून, इसके ऊपर अच्छा सा चिपक जाता है, और अजवाइन से जो टेस्ट आता है ना, सूखा धनिया खुद का कूटा हुआ और अजवाइन के बगैर जो है ना फ़िश आपकी समझे बेकार, उसमें अजीब सी स्मेल हो जाती है, ये दोनों मेन जो है ना वो इसके मसाला जात होते हैं फ़िश में, और सर्दियों में जो है ना आपको फ़िश से ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए, और इसको आप मैरिनेट जो है ना वो इस तरह से करके तो इसको बना सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से जो है ना चढ़ा दिया मसाला इनके, जितना भी जो एक साइड फ़िश की थी उस पर भी, और जो फ़िश के पीसेस थे बड़े बड़े वो भी, तो बस मैंने इसको जो है ना वो मैरिनेट करके अब जो है इसको मैं रख दूँगी, अपने हाथ वाथ धो लूँगी, और अच्छे से जो है ना इस पर अच्छे से कोटिंग कर देनी है, ऊपर थोप देना है मतलब ना मसाला जो जितना भी आपका होगा, थोड़ा दही के साथ मैंने बनाया है तो ये पतला लिक्विड नहीं है कि उतर जाएगा, ये अच्छे से इसकी लेप हो जाती है। तो बस इसको मैंने अब जो है वो करके जितनी मुझे चाहिए होगी वो मैं नीचे वाले खाने में रख दूँगी, बाकी दो तीन घंटे के बाद जो है ना अंदर फ्रिज में फ़ौरन रख देनी है मैरिनेट करके, तो बाकी जो है ना वो फिर मैं ऊपर रख दूँगी फ्रीज़ होने के लिए, फिर जब मुझे चाहिए होगी मैं वो कर लूँगी कुक कर लूँगी। तो बस इसको देखें बहुत अच्छे से जो है ना वो मसाला लग चुका है। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो मैंने आज चूल्हे को भी बहुत अच्छे से क्लीन किया था, और जो है ना काउंटर को भी मैंने अच्छे से जो है ना वो समझे कि कपड़ा जो क्लीनिंग वाला होता है ना उस पर सर्फ़ लगा के
अच्छे से काउंटर और जो दीवारें हैं ना उनको मैंने साफ़ किया था, और बर्तन बर्तन मैंने धो के एक साइड पे कर दिए थे ताकि जो मेरे बाकी सब बहुत सारे काम थे ना वो उनके लिए जगह जो है ना वो नीट साफ, काउंटर भी साफ़ हो जाए और सिंक का एरिया भी। अच्छा, मेरा ज़्यादा जो काम होता है ना मैं सिंक के एरिया के पास ही कर लेती होती हूँ क्योंकि वहाँ से ना क्लीनिंग करनी बहुत आसान हो जाती है। तो मेरा लहसुन अदरक का पेस्ट ख़त्म हुआ हुआ था और इसके सबसे पहले बनाने की वजह यह है, मैं अभी आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो है ना वो लहसुन अदरक का पेस्ट बना के इसको मैंने ना क्यूब्स ट्रे में डाल दिया था। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो लहसुन अदरक की लाइफ यहीं पे स्टॉप हो जाती है। जब आप इसको निकालेंगे ना क्यूब्स को जब मेल्ट करेंगे तो समझेंगे एकदम फ्रेश ये होता है। मैं अपने हर व्लॉग में बताती हूँ, तो जब भी लहसुन अदरक के क्यूब्स में बनाती हूँ ताकि हर कोई जो है ना वो फिर कह रहा होता है कि ये तो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। सेहत के लिए वो नहीं अच्छा होता जो आप एक प्याले में रखें और फिर उसको सॉफ्ट करके यूज़ करने लग जाएं। अच्छा, उसके बाद साथ ही मैंने जो है ना वो पुदीना और धनिया अच्छे से धोने को रखा और फिर उनके खुद ही जो है ना वो पत्ता पत्ता किया और उसके जो है ना उसमें हरी मिर्च डाली, थोड़ा सा जो है वो ज़ीरा डालूँगी और नमक थोड़ा सा डाल के इसको जो है ना वो मैं लहसुन अदरक वाला जो जग था ना उसमें अच्छा खासा लहसुन अदरक लगा हुआ था, मुझे अलग से लहसुन अदरक डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें बस मैंने ज़ीरा डाला 1 टीस्पून भर के और थोड़ा सा नमक डाला है। अच्छा, लहसुन अदरक सॉरी धनिया पुदीना ना काफ़ी सारा हस्बैंड ले आए थे और मेरे जो है ना वो इसके ख़त्म हुए थे क्यूब्स, तो वो मैंने सोचा कि ज़ाया ना हो जाए तो मैंने हाथ के हाथ ही ना हरे हरे के ही बना के इनको भी जो है थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये अच्छे से ब्लेंड हो जाए और लहसुन अदरक इसमें लगाओ। इतनी मज़े की चटनी बन जाती है, इसको आप मल्टी जो है ना वो चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज फ़िश बनाऊँगी तो उसमें उसके लिए भी ये इसकी हरी चटनी जो है ना वो बहुत ज़रूरी होती है। तो बस इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और इसको भी जो है ना वो मैं फिर क्यूब्स की शक्ल देके तो इसको क्यूब्स ट्रे में डाल के 2-3 घंटे बाद जो है ना एयर टाइट जार में डाल दूंगी। अच्छा, उसके बाद जो है ना फिर इसमें जो मैंने क्या किया वो जग जो खाली था उसमें भी हरी चटनी लगी हुई थी उसमें मैंने एक टमाटर ब्लेंड किया और वो बन गई थी फ़िश की चटनी, वो मैंने एक बाउल में डाल के रख दी थी। अच्छा, जग में मैंने ना एक ड्रॉप जो है ना वो डिश वाशर लिक्विड का डाला और उसको एक चक्कर दे दिया। तो डिश ये सबसे अच्छा हल होता है आपका, जग जो है ना वो ना इतना अच्छा साफ़ नहीं होता, ये बहुत मुश्किल से होता है। बस जब भी आप इसे यूज़ करें एक ड्रॉप जो है ना अपना डिश वाशर लिक्विड डालें, नहीं तो सर्फ का डालें और उसको घुमा दें और वो खुद ही अंदर से साफ़ हो जाता है। हल्का सा हाथ बाहर से घुमाएंगे तो आपका जग भी जो है ना वो नए जैसा होता है। अच्छा, जो फ़िश थी उसके साथ ही मैंने फिर जो भिंडियाँ पहले थोड़ी सी पानी में डिप करके रख दी थी ताकि नरम हो जाए इसकी मैल कुचैल जो होती है, और फिर इसको मैंने बाहर निकाल के ना ड्राई करके काट लिया था। अच्छा, ये सारे काम जो है ना वो मैं कर लेती होती हूँ 10-11 बजे तक सुबह को, जो हेल्पर जो आती है क्लीनिंग के लिए उससे पहले पहले ताकि कुकिंग भी हो जाती है, हर चीज़ हो जाती है 11-12 बजे के अराउंड। तो इसको जो है ना मैंने भिंडियों को भी काट लिया था और बाहर जाके देखा तो हस्बैंड साहब गाड़ी साफ़ कर रहे थे। तो यहाँ पे मेहनत हो रही है, आज शुक्र है इसको ना रुस्तम को याद आ गया कि नहाने से पहले गाड़ी साफ़ करते हैं, वरना ये क्या करता है नहान हो के गाड़ी साफ़ करता है ठप ठप, फिर मिट्टी सारी दोबारा से अपने ऊपर। आज कैसे याद आ गया रुस्तम आज कैसे याद आ गया? पागल हो, पागल वो होता है जो नहाने के बाद गाड़ी साफ़ करता है, जो नहाने से पहले साफ़ कर ले वो सियाना होता है। ये लें छींके भी आ गई हैं गाड़ी साफ़ करने से। तो बाहर क्या चल रहा है, सारे बच्चे स्कूल गए हुए हैं इसलिए सब जो है ना वो सुनसान लगी पड़ी है। क्या क्या हो गया, अच्छी खासी तो है बाबरा। करें जी, आज सुबह की सफाई भी मुझे ही करनी पड़ेगी, ये है मेरे पतले होने का राज। रुस्तम, मैं और आप मिलकर करेंगे सफाई, ठीक है रुस्तम? ठीक है रुस्तम, कहेगा मैंने अपनी गाड़ी की सफाई कर ली, यही बड़ी बात है। दादा हीरो बन के जा रहे थे, ज्यादा दादा नहीं ज्यादा भाई। अच्छा, आज हेल्पर साहब ने भी नहीं आना था तो मैंने जो है ना वेजिटेबल वगैरह सारे मेन मेन काम करके जल्दी जल्दी क्लीनिंग की और फिर हस्बैंड बच्चों को लेने जा रहे थे, वो कह रहे थे मेरे साथ चलो लेने, तो मैंने जल्दी से अपने कपड़े चेंज किए क्योंकि वो काम करते हुए पहने हुए थे। जल्दी से मैंने शावर लिया और जल्दी से जो है ना ये मेरा ब्रीजे का सूट था, ये मेरा बहुत फेवरेट है, इसको मैं कभी कभी पहनती हूँ, इसको मैं पहन के ख़राब नहीं करना चाहती हूँ। तो हल्का सा बस मैंने जो है ना अपने लगाया टिंट लगाया लिप पे बस, और कुछ नहीं किया, बाल नहीं धोए थे
और बस हम लोग चले गए बच्चों को लेने। बस मेरा सारा समझे आटा गूंदा पड़ा था, फिश मैरिनेट कर दी, सब्जी काट करके रख दी, बाकी चटनियाँ शटनियाँ सब बना दी। तो जो है ना, अब बच्चों को हम लोग लेने जा रहे थे 11 बजे, और अब जब वापस मैं आऊँगी तो काम इतना नहीं होगा, क्योंकि क्लीनिंग भी हो गई, बर्तन भी मैंने धो दिए थे। तो मेन चीज़ ये होती है कि आप जो अगर खा रहे हैं ना, जैसे मुझे, मैं खाती भी हूँ, लेकिन मुझे ये होता है कि मैं जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपने काम करती हूँ। सुबह में अगर हेल्पर है तो शाम में मैं खुद पोछा लगा रही होती हूँ, बैठ के लगा रही होती हूँ, वॉक कर रही होती हूँ। तो खाने के साथ साथ जो है ना वो, आप अगर स्मार्ट रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं, तो आपने जो है ना वो अपने मतलब एक्टिव रहना, भले आपके हेल्पर भी आते हों। तो मेरी अगर मॉर्निंग में भी हेल्पर आती है ना, तो मैं उसके साथ लग जाती हूँ, वो अकेली जो है ना वो सारा काम नहीं कर सकती। तो अगर मैं कभी गैलरी उसके साथ मिलके धो लेती हूँ, कभी सीढ़ियों पे मैं खुद पोछा लगा रही होती हूँ, क्योंकि वो अकेली जो है वो 3-4 वॉशरूम कैसे साफ़ करेगी, 3-4 कमरे, फिर सेहन वेहन कैसे साफ़ करेगी। तो मैं उसके साथ मिलके कर लेती हूँ, और उसके जो है ना शाम में तो मैंने लाजमी अकेले ही लगाना होता है अच्छे से पोछा बैठ के। तो ये हम लोग पहुँच गए बच्चों को लेने, स्कूल पहुँच गए, रुस्तम बाहर निकल गए गाड़ी साइड पे खड़ी करके, और इनको बच्चे अभी नज़र नहीं आ रहे थे। फिर स्कूल के गार्ड ने इशारा किया कि मैं भेजता हूँ, आप बैठे जाके गाड़ी में, तो बच्चे आ गए। वालेकुम सलाम, कैसे हो, थक गए? पेपर बहुत आसान था। ओके। बच्चों को पिक करके ना, पहले हम लोगों का इरादा हुआ कि बच्चों की फुफ्फो रहती हैं यहाँ पे, मेरी दो सिस्टर इन लॉज रहती हैं, तो उनकी तरफ चला जाए। फिर हस्बैंड ने कहा मैं ऑफिस से देर हो रही है। अच्छा, यहाँ पे अबीहा जो है ना, वो एक पकौड़ों वाले का बहुत तारीफ़ करती थी कि मम्मा वहाँ पर पकौड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। तो सामने जब नज़र आया तो गाड़ी रुकवा के हम लोगों ने जो है वो पकौड़े लिए, और जो है ना यकीन जाने पकौड़े बहुत मज़े के थे। हम लोगों ने सोचा कि और मंगवाने चाहिए थे, ये कब मंगवाए थे। तो पकोड़े खाते खाते जो है ना वो ड्राइविंग हो रही थी, पकोड़ा, लेकिन और उसके बाद जो है ना हम लोग जैसे ही अपनी सोसाइटी हम लोगों ने जो है वो टर्न किया, नबीहा भी जो है ना वो पापा के साथ जो है ना वो ड्राइविंग सीट पे पहुंच। क्या हो रहा है? ड्राइविंग हो रही है, साथ में डांस भी हो रहा है। अच्छा, बच्चों को लेके जैसे ही पहुँचे ना, कपड़े चेंज करने से भी पहले मैंने जो भिंडियाँ कट करके रखी थी, सब्ज़ी कट करके रखी थी ना, तो मैंने पहले थोड़ा सा ऑयल डाला, और उसके बाद जो है ना भिंडियाँ जो है ना वो फ्राई होने का रखी। अच्छा, थोड़ा सा ऑयल डाला, और भिंडियाँ जो है ना वो मैंने ब्राउन नहीं करनी होती हैं, इसलिए कि उनमें कैल्शियम होता है, वो सारा जो है ना ब्राउन होकर जल के ख़त्म हो जाता है। तो थोड़े से ऑयल में भिंडियों को, जब तक इनको मैंने जो है ना वो फ्राई करना है, जब 3 से 5 मिनट, जब तक बस इनकी लेस ख़त्म करनी है, कलर नहीं चेंज करना है। कपड़े चेंज करके आ गई, और जब तक जो है ना वो भिंडियों का जो है ना वो समझे कि कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था और लेस ख़त्म हो गई थी, मतलब ग्रीन ही थी, मैंने उनको डार्क ब्राउन नहीं किया, ये देखें ग्रीन ही थी। तो इस तरह का लुक होना चाहिए, तो आपको भिंडियों का फ़ायदा भी होता है, भिंडियों में अच्छा खासा जो है ना वो कैल्शियम होता है। थोड़े से ऑयल उसी में मैंने बड़ा सा प्याज डाल दिया है, और प्याज को थोड़ा सा मैंने जो है ना वो सौते करना है, ज़्यादा जो है ना इसको भी ब्राउन या वो कलर नहीं चेंज करना है, हल्का सा इसका जो है ना ये कुक हुआ है, तो साथ ही इसके जो है ना वो मैं अब डाल दूँगी टमाटर बारीक बारीक कटा हुआ, और उसके साथ ही जो है ना वो मैं सब्जी मिर्चें जो है ना वो डाल दूँगी। तो इसके साथ ही जो है ना थोड़ी सी हल्दी जाएगी अकॉर्डिंग टू टेस्ट, जो है वो लाल मिर्च जाएगी, थोड़ा सा जो है ना वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक जाएगा, और टीस्पून जो है ना वो इसमें जाएगा सूखा धनिया खुद का पीसा हुआ, और इनको जो है ना वो मैं मिक्स करूँगी, और थोड़ा सी इनके 1 से 2 मिनट इनको जो है ना वो मैं भूनूंगी। तो इस तरह से जो है ना भिंडी बहुत मज़े की बनती है, ज़्यादा ऑयल में आप लोगों को बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह से, और जो लोग वज़न कम कर रहे होते हैं ना, उनको दिन भर में
टेबल स्पून से ज़्यादा ऑयल नहीं लेना है, इस बात को आप याद रखें। और ऑयल घी तो बिल्कुल नहीं लेना, मैं तो घी कभी यूज़ करती नहीं हूँ देसी घी के अलावा। तो ऑयल भी जो है ना वो आप 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं ले सकते, वज़न कम करने के लिए भी और हेल्थ, अगर आप अपनी सेहत अच्छी रखना चाहते हैं ना, बीमारियों से बचना चाहते हैं, देन भी दिन भर में आप अपने खाने में ना, मतलब आप एक बंदा जो है ना वो 2 टेबल स्पून से नहीं ले सकता। मतलब कुछ भी आपका बना जहाँ आपको ऑयल नज़र आए ना उसको बिल्कुल हटा दें और वो खाना ले लें। अच्छा, थोड़ा सा कुक करके मैंने भिंडियाँ डाल दी थी और उनको मैंने दम पे रख दिया था, बस वो 5-7 मिनट में दम पे बन जाएंगी। और जब तक जो मैं फ़िश जो मैरिनेट करके रख गई थी ना, हस्बैंड हमें छोड़ के फ़ौरन ऑफिस चले गए, तो मैंने और बच्चों ने खाना था, तो फुल जो है ना मैंने नहीं फ्राई की, बस मैंने एक एक पीस जो है ना वो सबका फ्राई कर लिया, बच्चों का और अपना। तो ये इतनी मज़े की बनेगी। अब थोड़े से ऑयल जो है इसमें जो है ना क्या करना, तेज़ गरम में मैंने डाली है। अच्छा, ये मेरा सॉफ्टवेयर ऐसा है कि ये ना इसका कलर थोड़ा डार्क आता है, हालांकि जो आपको कलर नज़र आना इससे थोड़ा सा लाइट ही है, तो इसमें ये लगता है कि बहुत ही डार्क है, तो ये डार्क नहीं है, ये लाइट डार्क ब्राउन है, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में हमेशा ऐसे ही नज़र आता है। तो बस इसको पलटाया मैंने 5 मिनट, और उसके बाद जो है ना फ्लेम जो है ना मीडियम से थोड़ा कम करके 5 मिनट दूसरी तरफ से, और फिश आपकी बहुत अच्छी जो है ना वो कुक हो जाती है। अच्छा, फिश जब आप डालें ना गरम तेल में डालें और फौरन उसको पलटाएं मत, वरना वो टूट जाती है। 2 से 3 मिनट के बाद आप जो है ना उसको पलटाएं मीडियम फ्लेम पे रख के। तो ये दोपहर का खाना बहुत मज़े का रेडी हो चुका था, भिंडी का सालन, साथ में फ्राई फिश, साथ में सैलड, इसके साथ में मुश्किल से मुझसे ना आधी रोटी खाई जाएगी। एक मैं फिश का लूँगी, थोड़ी सी भिंडी लूँगी, और जो है ना सलाद जो है ना वो मेरा फेवरेट है, वो मैं बहुत सारा खा सकती हूँ, उससे आपकी स्किन अच्छी, आपकी हेल्थ अच्छी। खाने का ये है कि खाने का अपना स्टाइल बदलें, आप हेल्दी रहेंगे, स्मार्ट रहेंगे, आपको बीमारियाँ नहीं लगेंगी। तो ये दोपहर का खाना बन के जो है ना वो रेडी था, और ये मेरी आज सुबह से लेके जुम्मे वाले दिन जो है ना वो दोपहर तक की रूटीन थी। और उसके बाद जो है उसको मैंने वॉइस ओवरिंग करके जो है ना वो डालते डूलते मुझे 5-6 बज गए थे, अपलोड होते 7 बज जाएंगे शायद। तो ये मेरा आज का फर्स्ट फ्राइडे व्लॉग था। आप लोगों की बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।